नमस्कार। आज के इलेक्शन ड्यूटी संबंधी इस वीडियो से हम जानकारी साझा करेंगे, पोस्टल बैलेट की गणना के बारे में, काउंटिंग के बारे में। साथियों, पोस्टल बैलेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक मतदान का हो गया है और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ईडीबीबीएस, एब्सेंटी वोटर्स और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे हैं। साथियों, इस तरीके से काउंटिंग सेंटर पर हमें काफी संख्या में पोस्टल बैलेट मिलते हैं और हम उनकी काउंटिंग जो है ईवीएम की काउंटिंग करने से आधा घंटा पहले शुरू कर देते हैं निर्धारित समय पर। मान लेते हैं कि काउंटिंग का समय 8 बजे है तो सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर आदेश देते हैं कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू होगी। जब आधा घंटा बीत जाएगा, 8:30 बज जाएंगे, उसके बाद ईवीएम से गणना का कार्य शुरू किया जाता है। साथियों, पोस्टल बैलेट को काउंट करने के लिए काउंटिंग टेबल्स लगाई जाती हैं। काउंटिंग टेबल्स कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं ताकि हमें पता हो कि कितने पोस्टल बैलेट हमें मिलेंगे। एक टेबल पर जिसमें दो काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक एआरओ साहिबान होते हैं और एक काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। इस तरीके से ये टीम जो है, इनको ऐसा माना जाता है कि ये एक दिन में 500 के आसपास पोस्टल बैलेट्स की गणना कर सकते हैं। इस आधार पर ही कि हमें कितने पोस्टल बैलेट मिले हैं, इसका अनुमान लगाकर पोस्टल बैलेट की टेबलों की संख्या निर्धारित की जाती है। अब जब हमें पोस्टल बैलेट मिल जाते हैं तो हम उनकी काउंटिंग का कार्य शुरू करते हैं। ये एक पोस्टल बैलेट है, यानी इसका जो ये कवर है, आउटर कवर, जिसको कवर भी कहते हैं, इसका फॉर्म का नंबर है 13C। किसी भी पोस्टल बैलेट के इस कवर में, बाहरी कवर में, जिसको कवर भी कहते हैं, अगर इसके अंदर से दो दस्तावेज, दो डॉक्यूमेंट नहीं निकलते हैं, एक ये पोस्टल बैलेट वाला और दूसरा इसके साथ में अगर डिक्लेरेशन नहीं है, तो हम इस वोट को, इस पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसके लिए हम इसको वापस इसके अंदर डाल देते हैं और इस फॉर्म के ऊपर, बाहरी कवर के ऊपर, हम पेन द्वारा लिखते हैं इसका कारण कि हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो है फॉर्म 13A नहीं था, तो हमने इसके ऊपर एंडोर्समेंट करनी है, इसके ऊपर लिखना है कि 13A मिसिंग या नॉट फाउंड, और अपने सिग्नेचर करने हैं। और इस तरीके से यह पोस्टल बैलेट जो है ये रिजेक्ट हो गया है, हम इसको रिजेक्ट की एक बास्केट में डाल देते हैं। अब हम अगला जो है वो पोस्टल बैलेट उठाते हैं। तो साथियों, ये हमने पोस्टल बैलेट खोला, खोलने के बाद इसमें से ये दो चीजें हमें मिल गई हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो है डिक्लेरेशन 13A, ये सही है या नहीं है। अगर ये सही नहीं होती है तो भी हम इस पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सही है या गलत है, इसके नियम कुछ इस प्रकार है। इस फॉर्म 13A में नंबर 1, पोस्टल बैलेट का सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। नंबर 2, इसमें जो वोटर है वो अपने सिग्नेचर करता है। नंबर 3, वोटर के सिग्नेचर्स को अटेस्ट करते हैं अटेस्टेशन ऑफिसर। अटेस्टेशन ऑफिसर इस पर अपनी सील भी लगाते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं, उनका पूरा डेजिग्नेशन भी लिखते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म पे अटेस्टेशन ऑफिसर ने अपना सील न लगा के अपना पूरा डेजिग्नेशन, पूरा डिपार्टमेंट का नाम, डेट आदि डाली है, तो हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। अब इस फॉर्म पे ये खाली फॉर्म है और इसमें कुछ भी वोटर ने अपनी जानकारी नहीं दी है, ना सिग्नेचर किए हैं और ना ही इसको अटेस्ट कराया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापस फोल्ड करेंगे,
इसको नहीं खोलेंगे, जो छोटा कवर था जिसके अंदर पोस्टल बैलेट है, और इस कवर को दोबारा इसी में पोस्ट कर देंगे, वापस डालेंगे। वापस डालने के बाद हम इस पे फिर से पेन के द्वारा एंट्री कर देंगे कि 13A नॉट फिल्ड प्रॉपरली। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और इस पे हम अपना सिग्नेचर करके इसको भी रिजेक्ट की झोली में डाल देते हैं। तो साथियों, अब आपको पता लग गया कि किन किन वोट्स को, जो पोस्टल बैलेट है, हम रिजेक्ट की झोली में डाल रहे हैं। अब हम अगला एक और पोस्टल बैलेट ले लेते हैं, इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद इसको देखते हैं कि इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। इसके अंदर दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसको हम अभी यहीं रखते हैं, और इसके बाद इसको खोल लेते हैं, इसको यहां रखते हैं। खोल लिया हमने। खोलने के बाद हमने देखा कि ये जो 13A है, ये इसमें सीरियल नंबर भी है, डेट भी है, सिग्नेचर ऑफ इलेक्टर भी है, और इसको अटेस्ट भी कराया हुआ है, मोहर भी लगी हुई है, ये प्रॉपरली फिल्ड है। तो ऐसे फॉर्म को हम सेलेक्ट मानते हैं, और ये जो इसके साथ हमें पोस्टल बैलेट का कवर मिला था फॉर्म 13B के रूप में, इस फॉर्म को हम यहां रख लेते हैं, और इसको 13B को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस जो फॉर्म को हम अलग से नीचे रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक में रिजेक्ट डाल लिए हैं, ये सेलेक्टेड 13A है, और ये जो है सेलेक्टेड 13A के साथ जो बैलेट बिल्कुल ठीक हो सकता है ऐसा पाया गया, हम उसको इस झोली में डाल लेते हैं, इस बास्केट में डाल लेते हैं। तो साथियों, इस तरीके से जो 13A ठीक मिलते जाएंगे, हम उनकी यहां पे ढेरी बनाते जाएंगे। उनके जो फॉर्म 13B है, उनको बिना खोले इसमें रखते जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब हमने रिजेक्ट छाट लिए हैं, 13A बिल्कुल ठीक है वो छाट लिए हैं, और उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिला हमने वो छाट लिया है। पहला काम हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे जो हमें पोस्टल बैलेट मिले थे एब्सेंटी वोटर्स से, एसेंशियल सर्विसेज वालों से, और जो हम जैसे अधिकारी कर्मचारियों ने अपने पोस्टल बैलेट डाले थे, उन सब की हम 13A की ढेरी बना लेंगे, और इधर उनमें से जो 13B हमें मिला था उनको बिना खोले हम इस बास्केट में डाल लेंगे, और इसकी भी हम ढेरी बना लेंगे। अब ये जो हमें रिजेक्टेड मिले थे, हम इनका बंडल बनाएंगे। बंडल बना के उन सभी को हम एक पैकेट में डालेंगे, डालने के बाद उसको सील करेंगे, और सील करने के बाद इसको अलग रख देंगे। अब हमें मिल जाते हैं ये वाले 13A। जैसा कि आपको पता है कि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना हमारे सबसे पहली जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, काउंटिंग टेबल का, काउंटिंग के सभी अधिकारी कर्मचारियों का ये दायित्व है, आरओ साहब का भी दायित्व है कि इस गोपनीयता को बरकरार रखें। तो सबसे पहले जितने भी ये हमें 13A बिल्कुल ठीक भरे हुए मिलते हैं, हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक लिफाफे में डालते हैं सभी को, और उस लिफाफे को सील करके उसको भी दूसरी टेबल पर आरओ साहब को दे देते हैं। अब ये इसका अभिप्राय ये है, क्योंकि इसमें इलेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, इलेक्टर का जो है पोस्टल बैलेट जो उसका जारी किया गया था उसका नंबर होता है, और ये जो फॉर्मा होता है, ये जो एनवलप होता है, इसके ऊपर भी इलेक्टर का जो है पोस्टल बैलेट नंबर लिखा होता है। तो ऐसे में इलेक्टर ने किसको वोट दिया, इसकी जानकारी अभी इस स्टेज पर जब ये खुला है तो जानकारी मिल सकती है, लेकिन हमने गोपनीयता को बरकरार रखना है, तो हम सबसे पहले इन 13A फॉर्म्स को एक लिफाफे में, बड़े लिफाफे में इसको प्रॉपरली सील कर देते हैं, और इसको दूसरी टेबल पर रख देते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं पोस्टल बैलेट 13B से निकालने की। हम 13B से जब पोस्टल बैलेट निकालते हैं, तो सबसे पहले हम पोस्टल बैलेट का नंबर और इस जो 13B है इसके ऊपर जो नंबर दिया गया है, दोनों का आपस में मिलान करते हैं। अगर ये मिलान सही पाया जाता है तो फिर हम पोस्टल बैलेट की आगे गहनता से जांच करते हैं, अदरवाइज ये नंबर अगर नहीं मिलता है आपस में तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्शन का अगला केस, अगर इस 13B के अंदर कोई पोस्टल बैलेट है ही नहीं तो भी हम इस वोट को रिजेक्ट कर देते हैं। अगला केस, अगर इस फॉर्म 13B में से पोस्टल बैलेट निकलता है लेकिन वो ऐसी जीर्ण क्षीण
अवस्था में है कि कटा फटा है, उसके कॉर्नर्स फटे हुए हैं, और तो ऐसे हम पोस्टल बैलेट्स को रिजेक्ट की झोली में डाल देते हैं। रिजेक्शन का कारण जो है पोस्टल बैलेट पे सिग्नेचर करना, अपना एड्रेस देना या कोई ऐसा मार्क देना जिससे पहचान सुनिश्चित हो, तो हम उन सभी पोस्टल बैलेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। हम उन्हीं वोट्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मतदाता ने अपने प्रत्याशी, अपने चहेते उम्मीदवार को वोट देना चाहा है, उसके बॉक्स में उसने बिल्कुल ठीक से निशान लगाया है। यहां यह भी बताता चलूं कि अभी तक किस तरीके का कोई स्पेसिफिक निशान लगाया जाना है यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए वोटर अगर कोई भी निशान अपने चहेते उम्मीदवार के बॉक्स में लगा देता है तो हम ऐसे सभी वोट्स को वैलिड मानते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से अब तक यह जान लिया है कि हम कौन से पोस्टल बैलेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने यह भी जान लिया है कि हम कौन से पोस्टल बैलेट्स को सेलेक्ट करते हैं, वैलिड मानते हैं। हमें जो भी पोस्टल बैलेट रिजेक्शन की ढेरी में डालना है उसकी हमें गहनता से जांच करनी है, और उसके बाद जब हम बिल्कुल पुख्ता हो जाएं कि ये वोट जो है रिजेक्ट होना ही है, हम उसी को रिजेक्ट करें। रिजेक्टेड हम एक साइड में कर देते हैं और जो पोस्टल बैलेट सिलेक्टेड है उनको हम एक साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले हम रिजेक्टेड का बंडल बनाते हैं, बांधते हैं इनको और इनको एक साइड में रख देते हैं। अब हम जो हमारे पास पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो बैलेट हमें मिले थे और जिनको हमने सही पाया गणना के लिए, हम उनकी ढेरी बनाते हैं। इसके बाद हम इनको कैंडिडेट वाइज सेग्रीगेट कर लेते हैं, और सेग्रीगेट करने के बाद हम इनकी ढेरियां बनाते हैं। इनकी ढेरियां बनने के बाद जब सारे हमारे काउंट हो जाते हैं टेबल पर, तो हम उनकी गणना करते हैं और कैंडिडेट के सामने, कैंडिडेट के नाम के सामने जो 17 सी का जो दूसरा पार्ट है उसके अनुसार हम इनकी गणना काउंट कर लेते हैं। और जब हम इनकी गणना काउंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इनकी एंट्री जो है फॉर्म 20 में लिख देते हैं, जिससे ये रिजल्ट तक पहुंचने का, गणना पूरी होने का काम हमारा पूरा करा देते हैं। अब हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलेक्टेड हमारे पोस्टल बैलेट थे इनका हमें बंडल बनाना है, इकट्ठा करके सभी को अलग अलग, पहले अलग अलग बांधना कैंडिडेट वाइज और फिर सबको इकट्ठा बांधना है। ये इकट्ठे बांधने के बाद ये दोनों जो रिजेक्टेड थे और ये जो सिलेक्टेड थे, इन दोनों को भी हमने फिर एक ही पैकेट में, बड़े पैकेट में सील करना है। तो इस तरीके से हम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कर पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से पोस्टल बैलेट की गणना, उसकी काउंटिंग के बारे में हमने कुछ लाभान्वित करने वाली जानकारी आपके साथ साझा की है। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप ECI की वेबसाइट पर जाएं, पब्लिकेशन और मीडिया में जाएं, और वहां पर आप जाके भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुकलेट्स हैं, जो हैंडबुक्स हैं, उनका अध्ययन करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।